अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल की वजह से नहीं बल्कि अपने एक बयान की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल साउथ वर्सेस बॉलीवुड को लेकर चली आ रही बहस के बीच अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड पर हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट दिया। उन्होंने यह स्टेटमेंट पब्लिकली नहीं बल्कि अपने डायरेक्टर निखिल अडवाणी के सामने दिया। हालांकि निखिल ने एक इंटरव्यू के दौरान इस स्टेटमेंट को पब्लिक कर निखिल अडवाणी ने गलाटा प्लस को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि अल्लू अर्जुन एक बार बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे थे। बात करते समय अल्लू अर्जुन ने बताया कि आजकल बॉलीवुड की फिल्मों में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी दिख रही है। अल्लू अर्जुन ने कहा कि बॉलीवुड वाले भूल गए हैं कि एक्टर को हीरो कैसे बनाना है। वहीं साउथ वालों ने अपनी फिल्मों के हीरोइज्म के कोर इमोशन को पकड़ कर रखा है। निखिल ने अल्लू अर्जुन के स्टेटमेंट को समझाते हुए कहा, पहले बॉलीवुड में कालिया और कुली जैसी फिल्में बनती थी। उन फिल्मों में अमिताभ बच्चन का किरदार लार्जर देन लाइफ हुआ करता था, लेकिन अब लोग ऐसी फिल्में बनाना भूल गए हैं। जबकि साउथ के फिल्म मेकर्स ने हीरोइज्म की भावनाओं को गहराई से समझ लिया है। वे उन टॉपिक को चुनते हैं जो आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और फिर उसे शानदार एक्शन और हीरो की इमेज के साथ दर्शकों के सामने पेश करते हैं। साल 2023 में शाहरुख खान की जवान, सन्नी देओल की गदर और रणबीर कपूर की एनिमल जैसी फिल्मों का बोलबाला रहा, लेकिन इस साल अब तक कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट नहीं हुई। इस साल साउथ की फिल्म कल्कि 2898 एडी ने सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 6 दिसंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तय। इनमें से आप कौन सी सीरीज देखने वाले हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।